नमस्कार, आप तमाम लोगों का इस YouTube के चैनल में स्वागत है। मैं शत्रुघ्न सिंह, एकेडमी हेड ऑफ एन एक्सेस इंग्लिश खगोल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट अबाउट के साथ में वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं, नाउन। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्हाट अबाउट के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट अबाउट के साथ में नाउन। ये प्रपोजल सेंटेंस है, इसकी हिंदी होगी आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, इस पर आपकी क्या सोच है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, कहा जाए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, दीदी के लिए अमीर दूल्हा ठीक रहेगा? अगर आपसे ये पूछा जाए तो दीदी के लिए अमीर दूल्हा ठीक रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप? देखिए, यस, आपने सही सोच लिया। व्हाट अबाउट रिच ब्राइडग्रूम फॉर दीदी? अब इसी तरीके से हम एक सेंटेंस और बनाते हैं और वो सेंटेंस कुछ इस ढंग से देखिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है एजुकेशन सिस्टम के लिए? तो वहां पर कुछ सेंटेंस ऐसे बनेगा, व्हाट अबाउट एजुकेशन सिस्टम। अब बिहार जोड़ना चाहेंगे या इंडिया जोड़ना चाहेंगे या वर्ल्ड जोड़ना चाहेंगे, डिपेंड करता है आप पर। तो आइए शुरू करेंगे प्रैक्टिस। मैं आपके सामने में कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको व्हाट अबाउट के साथ में नाउन का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस अगर मैं पूछूं आपसे तो कॉफी चलेगी? कॉफी? अरे सिर्फ पूछ रहा हूं, सिर्फ सेंटेंस ये पूछ रहा हूं, चलेगी तो पियेंगे साथ साथ। अभी ऐसे भी थोड़ी सी गर्मी है, मौसम ठंडा होने दीजिए फिर पीते हैं साथ साथ। तो व्हाट अबाउट कॉफी, अब ये सेंटेंस देखिए आप। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। यहां पर एक विचार के बारे में बातचीत हो रही है, मैं आपको सिर्फ अपने बारे में सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि आपका विचार मेरे प्रति कैसा है। अब आपके सामने अगला सेंटेंस है, नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या विचार है। हियर यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड ओपिनियन अबाउट अ मैन और ए नाउन और एन ऑब्जेक्ट ओनली। बस सिर्फ आप अपना एक विचार बताइए किसी सब्जेक्ट के बारे में, जो बात आपसे पूछी जा रही है सिर्फ आपको वही बताना है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नाउ यू कैन कास्ट योर आइज ओवर द नेक्स्ट सेंटेंस। आपका अगला सेंटेंस है, चाय ठीक रहेगी? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, चाय पीने का मन है आपका? बस यही पूछ रहा हूं कि चाय चलेगी? तो ये सेंटेंस आपके सामने है, चाय या कॉफी कुछ भी आप इसके जगह पर रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पटना यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा? आपस में बातचीत करते समय आप अमूमन पूछते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ स्टूडेंट्स ऑलवेज सीक द कॉलेज टू टेक द एडमिशन, और तब वो कंपेयर करते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी उनके लिए बेटर है। तब आप इस प्रकार के सेंटेंस पूछ सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा, गया यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी आपके लिए, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या विचार है, या नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है। आप इस प्रकार के सेंटेंस उस समय पूछते हैं। एंड नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दीज ऑल फोर सेंटेंसेस। टाइम आपके लिए 30 सेकंड का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लेंगे। जब आप इसे बना लेंगे तो बनाने के बाद में जो मैं बनाकर आपको दूंगा उससे आपको इसे मैच करना है, फिर देखते हैं कितने सारे सेंटेंस आपके सही होते हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। अब एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया गया था, शायद आपने इसे कुछ ईटन से बनाया होगा, मेरे बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट मी। मैं यहां बता दूं आपको, व्हाट अबाउट के जगह पर आप हाउ अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी ये सेंटेंस बन सकता है हाउ अबाउट मी। अब अगला सेंटेंस है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है, इसे आपने कुछ ईटन से बनाया होगा, मिला लीजिए सही से, व्हाट अबाउट नरेंद्र मोदी, व्हाट अबाउट नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाय ठीक रहेगी, शायद आपने कुछ ढंग से बना होगा, व्हाट अबाउट टी, इसे चाहे तो आप हाउ अबाउट टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था, पटना यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा, पढ़ाई के बारे में बातचीत हो रही है तो आप इसे बनाए होंगे कुछ ढंग से, व्हाट अबाउट पटना यूनिवर्सिटी। अब
कुछ सेंटेंसेस आपको बनाना है। तो तैयार हो जाइए, ये आपके लिए खुद की प्रैक्टिस रहेगी, इसे घर पे बनाएंगे आप बड़े आराम से। उतारना शुरू कीजिए सेंटेंस। पहला सेंटेंस आपके सामने है, सैमसंग का मोबाइल चलेगा? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, आपने कोई दूसरा मोबाइल मांगा, मैंने सीधे सीधे कह दिया क्या सैमसंग मोबाइल ठीक रहेगा। अगला सेंटेंस आपके सामने जो दिया गया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके बारे में क्या विचार है? नेक्स्ट सेंटेंस है, कॉफ़ी ठीक रहेगी? बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कॉफ़ी चाय के बारे में, तो बनाएंगे आप, कॉफ़ी ठीक रहेगी। इसके बाद का सेंटेंस जो दिया गया था आपके सामने, एन एक्सेस इंग्लिश कोचिंग के बारे में क्या ख्याल है, यानी आपकी क्या राय है, क्या विचार है आपका? एंड हियर द लास्ट सेंटेंस इज, वरुण धवन के बारे में क्या विचार है? एक हीरो है ये, जिस हो सकता है ये आपका फेवरेट हीरो भी होगा या शायद नहीं भी हो। वरुण धवन के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? अगर इसी तरीके से एक सवाल आपसे पूछे तो, क्या आपको भगवान में भरोसा है, विश्वास है? यानी आपका विचार भगवान के प्रति क्या है? सबकी तरह श्योर आपको भी विश्वास होगा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने